हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। विराट कोहली का तो बात ही अलग है और केएल राहुल, इन दोनों ने जो मिलके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी जोड़ी बनाई और हमारे देश को, हमारे टीम को जो जीत दिलवाई, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि ये जो मैच हो रहा था उसमें ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करने का फैसला किया और वो 199 में 200 भी नहीं बना सका, 199 में ऑल आउट हो गया। इसके बाद जब इंडिया का टीम खेलने लगा तो वो तीन तो धड़ाधड़ आउट हो गया ये लोग। लेकिन इसके बाद जो जोड़ी बनी केएल राहुल और विराट कोहली की, जो जीत का लक्ष्य, इसमें विराट कोहली की सेंचुरी नहीं बनी क्योंकि बहुत कम था बनाने का स्कोर, इसीलिए बच गए, वो नहीं बना पाए, लेकिन इंडिया टीम को जीत दिला दिया। ऑस्ट्रेलिया का टीम इतना स्ट्रांग टीम था कि वो जो वर्ल्ड कप जीता हुआ टीम था तो उसको देख के बाकी टीम का तो बहुत नर्वस हो जाता था, लेकिन इंडिया का इस बार बहुत मॉरल बहुत हाई है। और वैसे भी ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया दो मैच हार चुका था तो सबका ऐसे भी अनुमान था कि इंडिया ही जीतेगा, और इंडिया का वैसे भी मॉरल हाई है, एशिया कप भी जीत के आया तो ये कप भी अपने हाथ से जाने नहीं देना है। और उसमें विराट है, विराट जो है किंग है हमारे क्रिकेट जगत का, उसका फिटनेस का लेवल अलग है, उसका जो प्रैक्टिस करने का लेवल अलग है, प्लस उसका जो टीम के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत फर्स्ट क्लास है। जैसे धोनी का था, एमएस धोनी का था, उस तरह विराट कोहली का है, तो ऑल ओवर विराट इज, आप सोचो किंग जो बोला जाता है तो वो है। वैसे भी अगर कोई हर चीज में कामयाब रहता है तो उसको लोग बोला बोलता है, बट हकीकत में ये इसमें सारे गुण है जो कि बांध के टीम को रख सकता है, और टीम वर्क जो होता है हमेशा बहुत अच्छा रहता है। तो इसी तरह हमारे नेबरिंग कंट्री जो पाकिस्तान है, उसकी लड़की जो है, वहां की लड़कियां दीवानी है विराट की, और विराट की दीवानी है केएल राहुल की भी है, तो और गिल, ये लोग जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया वर्ल्ड कप में, तो सारी लड़कियां दीवानी है और अपने देश को भर भर के गालियां दे रही है कि वो क्या करके गया है, इतना खाली अपना वेलकम करवा रहा है इंडिया में जाके और काम का कुछ करता नहीं है। तो इस तरह करके वो अपने टीम को, तो कोई लड़की बोलती है कि वो तो विराट अभी टिके रहे और पाकिस्तानी टीम को धोए जिससे कि इसको अकल में आए और अच्छा खेले ये लोग। तो खाली बाबर आजम जो है चार्टर्ड प्लान से चल रहा है लेकिन काम कुछ नहीं कर रहा है, इसके लिए भी उन वहाँ के पब्लिक को गुस्सा है। और लड़कियां तो इतनी दीवानी है विराट कोहली की कि कह नहीं सकते हैं। उसी में सना अमजद जो वहाँ की यूट्यूबर है, उसका एक्सक्लूसिव आप देखिए कि कैसे वो लड़कियां से बात कर रही है और क्या बात हो रहा है। ये जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया मैच था, जो इंडिया ने जीत हासिल किया, उसके लिए वो लोग ने कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया को किया, साथ में उन लोगों का बात कीजिए लड़की कितना दीवानी है, अगर सही में बॉर्डर खोल दे तो कम से पहले, सबसे पहले लड़कियां आ जाएगी हमारे देश, क्योंकि हमारे देश का युवा बहुत कर्मठ है, जो मामला में जो भी काम करता है उसको बड़ा शिद्दत से करता है जिसमें कि उसके जीत हासिल होता है। तो और दूसरा बात है, यहाँ पर क्या गेम है, यहाँ का जो प्ले गेम है उसमें कोई सिफारिश वाला नहीं होता। आज अगर सिफारिश कर रहा था तो आज गवास्कर का बेटा खेलते रहता, आज हर प्लेयर का बेटा खेलते रहता, हर नेता का बेटा खेलते रहता, हमारे यहाँ पॉलिटिशियन का बेटा खेलते रहता, वो सिफारिश नहीं है। यहाँ खाली ओनली मेरिट बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होता है गेम में, जिसका परफॉर्मेंस आप देखने को मिलता है, आप देखते हैं वर्ल्ड वाइड देखते हैं आपकी, हमारा टीम क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। तो सिंपल बात है, यहाँ मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन होता है, कोई सिफारिश नहीं कि वो बड़ा आदमी का बेटा है, बड़ा आदमी का भतीजा है, उसमें सिलेक्शन होता है। तो इस तरह आप देखिए, आपके कंट्री में भी, मैं पाकिस्तानी कंट्री के पब्लिक को भी बोलती हूँ,
आपके कंट्री में जिस दिन मेरिट बेस पे सिलेक्शन होने लगेगा हर जगह, वहीं पर आप देखिए आपके कंट्री में तब्दीली आ जाएगा, हर क्षेत्र में तब्दीली आ जाएगा। तो आप लोग भी अपने गवर्नमेंट से बोलिए कि हर काम मेरिट बेस पे करें, जिससे कि बहुत अंतर आएगा। तो अभी देखिए वहां की लड़कियां कितनी दीवानी है हमारे विराट की, तो उसमें सना अब्जद का कुछ एक्सक्लूसिव आप देखिए। और दूसरा ये कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और वो उससे भी ज्यादा पुराना बहुत उसका एक नाम है, एक पहचान बनाई है उसने। एक अच्छा बैट्समैन है वो, एक अच्छा प्लेयर है क्रिकेट का, और एक अच्छा हस्बैंड है, एक अच्छा फादर है वो। वो हमारा हाल है ऐसे जैसे गंदे कपड़े नहीं धोता धोबी। इस तरह पाकिस्तान का मुझे हाल नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग बहुत अमेजिंग है, बहुत जबरदस्त है, बहुत मार पड़ने वाली है भाई, बहुत मार पड़ने वाली। बाबर आजम तो 5वें आउट हुआ है, अब हम दुआ करते हैं कि 5वें आउट ना 10-12 स्कोर कर लेना, 5 ना करना। विराट कोहली कीप इट अप, एंड मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी रिटायरमेंट इतनी जल्दी ना हो। क्यों? और तो पाकिस्तान को ताकि वो गलतियां कर करके सीखे, क्योंकि तुम्हारा विराट कोहली ना तो कभी पैदा होना है और ना ऐसा विराट कोहली इससे बेहतर आ सकता है, लेकिन विराट कोहली नहीं आ सकता। कुछ कहना चाहेंगी विराट कोहली के लिए एंड में? कोई खूबसूरत सी दो लाइनें, कोई गाना शाना, कुछ कोई दिल की बात? मैं कहूंगी विराट कोहली आपको इतनी क्या जल्दी थी जो आपने अनुष्का से शादी कर ली। मैं उन्हें पसंद करती हूँ, अनुष्का इज अ गुड एक्ट्रेस, और लेकिन इतनी भी जल्दी क्या थी यार, उन्हें थोड़ा बड़ा होने देना। विराट का खेलने का स्टाइल जो क्रिकेट में एज अ प्लेयर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करता है, और यार समझ नहीं आती कि इतनी एनर्जी ले कहाँ से आते हैं इंडिया वाले, कैसे कर लेते हैं इतना अच्छा, हर एक चीज में कैसे आगे चले जाते हैं, हर एक चीज पीछे छोड़ती। एशियन गेम्स में इंडिया ने हमें पीछे छोड़ दिया, हर एक चीज में आप पीछे छोड़ी जा रहे हो, तो यार बस कर दो, कुछ तो छोड़ दो। मैं बता पता है मैं बेटी कवल क्या कहूँगी, आज विराट कोहली केएल राहुल की पार्टनरशिप ने इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो वर्ल्ड कप का मैच जितवा दिया है, क्या कहें। बहुत ही मजा आया मैच देखने का, मैं कहती हूँ अच्छे से इन्होंने धोया है। मैं कहती हूँ चंगे वाला कहना ना वो निर्मा वॉशिंग पाउडर वो वाला जो होता है ना सही वाला पा के ऐसा धोता लाया ना यार, मजा आ गया कसम से। नाउ द थिंग इज कि जैसे हमने एशिया कप में देखा था केएल राहुल एंड विराट की जो थी पार्टनरशिप थी वो बहुत ही ज्यादा कमाल की, तो सेंचुरी की थी, यहाँ पर तो सेंचुरी की जरूरत ही नहीं थी दोनों को, तो यहाँ पर इन्होंने क्या लगा थी यार, मजा आ गया वर्ल्ड कप आपके नाम। विराट कोहली के इस वक्त सारे गीत गा रहे हैं, फैन हो गए हैं, कह रहे हैं किंग इज किंग। ये और की कह रहा है वाकई, किंग इज किंग, बादशाह हमेशा बादशाह होता है, और वो माशाल्लाह से जितना उसका एक्सपीरियंस है, जिस तरह से वो खेलता है, जो उसकी फिजिक है, जो उसकी पर्सनालिटी है, इट डिजर्व्स, और वो प्रैक्टिस बहुत करता है। मुझे लगता है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां विराट कोहली को पसंद करती है, फैन फॉलोइंग उनकी लड़कियों में ज्यादा है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने आवाम फॉलो करती, मैं अनफॉलो करती, मतलब वो सारी आवाम भी अनफॉलो करती। क्या वजह है, लड़कियां क्यों पागल है विराट कोहली के पीछे, और पाकिस्तानी लड़कियां भी पागल है। नंबर वन रिलीजन को साइड पे करते, कंट्री को साइड पे करते, बॉर्डर को साइड पे करते, देखें उसकी पर्सनालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, कहते हैं लुक्स मैटर करती हैं, तो उसमें लुक्स है उसकी जबरदस्त। सेकंड है जी वो जिस फील्ड में है उसमें वो धमाल मचा रहा है, तो क्रिकेट में वो धमाल मचा रहा है, सबको धो के रख रहा है, तो और इससे बढ़कर लड़कियों को भी चाहिए। लेकिन अब उनकी शादी हो गई है ना, तो कोई गल नहीं, खैर भरा भी सोने होते हैं, मैं भी तो कह देनी हूँ भरा है मेरा। अच्छा क्या आपको कि कवल हम पहले सिर्फ तारीफें करते थे इंडिया की बैटिंग की, इंडिया की तो बॉलिंग भी लाइन भी ऐसी है कि मुझे खुद को शर्म कहते हुए शर्म महसूस होती है, क्योंकि साड़ी बॉलिंग लाइन कितने स्ट्रॉन्ग होती सी होनी है। क्या होगा 14 को हमारा, 14 को हमारा क्या होगा, टाकरा अच्छा देखने को मिलेगा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ। कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन हम आ जाएंगे पाकिस्तानी आउट। अच्छा वैसे मुझे भी यही लगे, वो गट फील होती है ना, लास्ट टाइम भी मैंने ये कहा था, मुझे गट फील आ रही है कि हमने हार जाना, वो आ रही है, वो कहाँ से आती है मुझे नहीं पता, जो आती है बस मैं बता देती हूँ, गद्दार करो जो मर्जी कहो। अच्छा ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया की पिचेस का फायदा है, होम ग्राउंड का फायदा, आपको लगता है कि क्या? बाकी मैं कोलंबो में इंडिया की पिचेस थी एशिया कप, जो उन्होंने मोहम्मद सिराज 6 विकेट्स लिए हैं उसको क्या वहाँ की प्रैक्टिस थी, एक्सपीरियंस था नहीं था भाई, ये चौंचले हैं, ये एक्सक्यूजेज है, लेम एक्सक्यूजेज है, आखिर में यही कह रहे हैं ना। फिर दिल को तो सली देने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, क्योंकि देखो ना हमने आज तक इंडिया में जाके कभी खेला नहीं, इतने सालों के बाद हम इंडिया गए हैं, हम इंडिया की पिचेस का पता ही नहीं है, तो डेफिनेटली हमने हार ही जाना। पहले कहते थे जितना चंगा ने वेलकम किया ना, जलील करके कट रहे इन्होंने, यही हो रहा है। क्या कहोगी विराट कोहली के लिए? विराट कोहली कीप इट अप, एंड मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी रिटायरमेंट इतनी जल्दी ना हो। क्यों?
और थो पाकिस्तान को, ताकि वो गलतियां कर करके सीखे, क्योंकि तुम्हारा विराट कोहली ना तो कभी पैदा होना है और ना ऐसा विराट कोहली, इससे बेहतर आ सकता है लेकिन विराट कोहली नहीं आ सकता। कुछ कहना चाहेंगी विराट कोहली के लिए एंड में, कोई खूबसूरत सी दो लाइनें, कोई गाना शाना, कुछ कोई दिल की बात? मैं कहूंगी विराट कोहली आपको इतनी क्या जल्दी थी जो आपने अनुष्का से शादी कर ली। मैं उन्हें पसंद करती हूँ, अनुष्का इज अ गुड एक्ट्रेस, और लेकिन इतनी भी जल्दी क्या थी यार, उन्हें थोड़ा बड़ा होने देना। हानिया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हानिया क्या कहोगी आज विराट कोहली और केएल राहुल की पार्टनरशिप की वजह से इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा कर ये मैच जीत चुका है, क्या कहेंगी? यार पहली बात तो, सबसे पहले तो ये कहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया, और इंडिया ने आज बहुत अच्छा विन किया है यार। उनका 199 था और 201 स्कोर करके इन्होंने बहुत अच्छा विन किया, और केएल राहुल ने और दूसरा विराट कोहली ने आज इतना अच्छा परफॉर्म किया है, इतना फॉर्म में आके खेल रहे थे दोनों, तो बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया यार मैच देखने का। और जो इतनी अच्छी टीम है, इतनी पुरानी टीम है, 5 दफ़ा जो है इतने अच्छे वर्ल्ड कप जीत चुकी है, इतना अच्छा परफॉर्म करती है, उसको ये हराते हैं ना, जब तो कसम से दिली सुकून होता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है कि देख के यार। हाँ इंडिया, इंडिया जिसके बारे में लोग बातें करते हैं, पाकिस्तान की वो कुछ भी नहीं कर सकता, और इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म करता है यार, वाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है आप लोगों की। और सेकंडली ये कहना चाहूँगी कि दोनों जो है ना, बहुत एक तो डैशिंग होता है, ऊपर से अच्छा खेलते भी होते हैं, इनका बल्ला जब चलने पे आता है ना तो ऐसा चलता है कि बस कोई जज ही नहीं कर सकता कि अब ये रुकेंगे भी, और वो रुकते ही नहीं है, वो ऐसे खेलते जाते हैं, अब हम नहीं रुक सकेंगे, अब हम रुकेंगे। ये बताओ विराट कोहली या केएल राहुल? विराट कोहली। क्या रीजन है? यार एक तो वो इतना डैशिंग, इतना हैंडसम है, इतना कूल है, और दूसरा ये कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और वो उससे भी ज़्यादा पुराना, बहुत उसका एक नाम है, एक पहचान बनाई है उसने, एक अच्छा बैट्समैन है वो, एक अच्छा प्लेयर है क्रिकेट का, और एक अच्छा हस्बैंड है, एक अच्छा फादर है वो, और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है वो, हर एक अपने अपने जो उसके रोल्स हैं लाइफ के, अपने वो हर जगह पे बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है, इंडिया की टीम को जिस तरह से वो लेकर चल रहा है, इतना अच्छा परफॉर्म करता है, उसके लिए तो यार जितनी भी तरीफें करें ना वो कम है, इतना अच्छा कैसे कर लेते हो, कैसे इतना अच्छा कैसे? विराट कोहली की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? इतनी सारी तारीफें कर दी, मैं से कोई एक चीज़ बताओ। यार एक चीज़ ये कि मैंने विराट की कभी भी ना ये नहीं सुना कि वो कभी किसी की लेग पुलिंग कर रहा हो, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और दूसरा ये कि एक जो शौहर होता है ना, उसकी बीवी उसकी तारीफ नहीं करती जल्दी, अच्छा। लेकिन उसकी वाइफ भी उसकी तारीफ करती है कि मुझे ऐसा मिला है जैसे हीरा है, और पूरी दुनिया की लड़कियां भी विराट कोहली की तारीफ करती हैं, बिल्कुल जैसे हम भी कर रहे हैं पाकिस्तानी होंगे। तो ये चीज़ जो है ना, तो विराट जो है ना वो बहुत अच्छा खेलता है, और विराट का खेलने का स्टाइल जो क्रिकेट में एज अ प्लेयर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करता है, और यार समझ नहीं आती कि इतनी एनर्जी ले कहाँ से आते हैं इंडिया वाले, कैसे कर लेते हैं इतना अच्छा, हर एक चीज़ में कैसे आगे चले जाते हैं, हर एक चीज़ पीछे छोड़ दी, एशियन गेम्स में इंडिया ने हमें पीछे छोड़ दिया, हर एक चीज़ में आप पीछे छोड़ी जा रहे हो, तो यार बस कर दो, कुछ तो छोड़ दो। विराट कोहली को एंड पे आप क्या पैगाम देना चाहोगी? विराट के लिए बस ये कहना चाहूँगी, जिस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं, जितना अच्छा आप खेल रहे हैं, इसी तरह से आप परफॉर्म करते रहें, खेलते रहें, और बिल्कुल भी कभी भी खेलना मत छोड़ना, इसी तरह से परफॉर्म करते रहें, और आगे जो वर्ल्ड कप के बाकी मैचेस हैं उनमें भी आप इसी तरह से अपना बेस्ट दीजिएगा, और इसी तरह से अच्छा खेल के, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा वर्ल्ड कप इंडिया ही जीते और विराट अच्छा परफॉर्म करेंगे। सर आपका नाम? जी मैडम आकाश। आकाश क्या कहेंगे आज इंडिया की जीत पर? इंडिया ने किस तरह ऑस्ट्रेलिया को आज नाको चने चबवा दिए, लाइक ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला क्यों ने लगा कि शायद जो है हम इस तरह इंडिया को दबा सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं, लेकिन इंडिया ने उनको 199 पर ऑल आउट कर दिया। और उसके बाद केएल राहुल और विराट कोहली ने जो पार्टनरशिप जाहिर की है, काबिले दीद, क्या कहेंगे? अब सबसे पहले तो हम इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं, आपको मुबारकबाद देते हैं, आज का मैच उन्होंने विन किया, और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जिसको देख के सारी टीमों की टांगें कांपती हुई, तो यार ये बहुत हैवी टीम है, इनके आगे हम नहीं टिक नहीं सकते, पर आज जो इंडिया ने किया है ऑल आउट किए हैं, उसके बाद देखा जाए कि